10 अगस्त बाबा हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ भाग्य देने के लिए आए हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, माया पर विजय प्राप्त कराने की विभिन्न विधियां बता रहे हैं। लेकिन कई आत्माएं बाबा के बच्चे बनकर उन्हें छोड़ देते हैं। सोच लें आप, इसे सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य? कितने जन्मों की भक्ति के बाद ये प्रभु मिलन हुआ है, लेकिन माया को न जीतने के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण या कुछ ईश्वरीय अवज्ञाओं के कारण बिल्कुल पीछे हटने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं और बाबा छूटने लगता है। यदि सचमुच हमें अपने परम पिता से संपूर्ण अधिकार पाना है, अधिकार चलो भविष्य की बात हो, लेकिन वर्तमान में बहुत बहुत गहरा सुख पाना है, डीप साइलेंस का अनुभव करना है जो अपने में अनुपम हैं, तो डेली मुरली क्लास और अमृत वेले उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करना चाहिए। भगवान से सब कुछ पाना है और हम सोचें कि हम कुछ भी ना करें, बिना कुछ किए ही मिल जाए बाप का अधिकार, तो ये तो न अच्छा है न संभव है। लौकिक बाप की संपत्ति यदि अयोग्य बच्चे को मिल जाए तो सब जानते हैं क्या हो जाता है, वो और अयोग्य हो जाता है और खा पी के कुछ ही दिनों में उसको नष्ट भी कर डालता है और फिर इस संसार में अकेला रह जाता है। इसलिए हमें कुछ तो अपने जीवन के सिद्धांत नियम बनाने ही चाहिए। बिना मेहनत के तो मनुष्य को छोटी-छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती, ये तो फिर परमात्म मिलन का सुख है। लेकिन जो लोग जब बाबा को छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना दे देते हैं, फलानी बहन ने ये कह दिया, वो अच्छा नहीं है, उसने मेरे पे गुस्सा कर लिया। अरे ये सांसारिक चीज़ें, ये मनुष्यों के व्यवहार को देखकर आप भगवान का हाथ छोड़ रहे हैं। सोच लो आप कितने बुद्धिमान हैं, या आपकी बुद्धि पर पानी फिर गया है। भगवान को तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, मुश्किल से उसका साथ मिला है और जिस दिन ये देह छूट गया ये साथ भी छूट जाएगा। तो बुद्धिमान बने, समझदार बने और कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए, कर्म विकर्म कर्म की श्रेष्ठ गति को पहचानते हुए अब हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करें। देखिए, मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया, सेवा केंद्र बनने में बहुत बड़ी मदद की, लेकिन 10 जगह आपने वर्णन कर दिया, आप में निष्काम भाव नहीं रहा, आपको इच्छा हुई मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जान जाएं, आपका भाग्य कम होने लगा। जितनी बार आप वर्णन करेंगे भाग्य की परसेंटेज को डाउन करते जाएंगे। आपने किसी को कड़वे वचन बोलकर दुख दे दिया, विकर्म जमा हो गए। आपने किसी की खुशी छीन ली, आपका सूक्ष्म विकर्म बढ़ गया। फिर आपका योग नहीं लगेगा, योग में आपको नींद आएगी। जिनको योग में नींद आती है वो समझ लें, सूक्ष्म पाप कर्मों का दबाव उनके दिमाग पर रहता है जो उन्हें ईश्वरीय सुखों का अनुभव नहीं करने देता है। ऐसे छोटे विकर्म, काम धंधों में गलत तरीकों से धन कमा लेना सूक्ष्म पाप बनता जाता है। अपने धन का अभिमान करना पाप है। नॉन वेज, ड्रिंकिंग, मांस मदिरा, अंडे, मछली, ये सब खाना सूक्ष्म पाप बढ़ता जाता है। कर्मों की इस गुह्य गति को हम जानते चले। दान भी हमने ऐसी जगह कर दिया जिसका मिसयूज हो गया, उसका भी सूक्ष्म बोझ हम पर आ गया। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पुण्य की पूंजी को बढ़ाते चलें। और सबसे बड़ा पुण्य तो अब है, जब भगवान इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए हम सबका सहयोग ले रहा है, उनको तन मन धन से मदद करना, इससे बड़ा पुण्य चारों युगों में और कोई नहीं होता। और उसका रिटर्न पदम गुना ज़्यादा हम सभी को मिलता है। तो हम पुरुषार्थ में निरंतर आगे बढ़ते चलें,
ज्ञान रतन दूसरों को दान करते चलें तो ज्ञान रतन हम में भी धारण होते जाएंगे। और विशेष रूप से आज जो बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम अटेंशन दो, व्यर्थ संकल्पों में नहीं रहना है। व्यर्थ संकल्प ज्यादा होते हैं, समर्थ संकल्प कम होते हैं। व्यर्थ संकल्पों की स्पीड ज्यादा होती है। नॉर्मल मन में 25 विचार प्रति मिनट उठते हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं तो ये 40 तक पहुंच जाएंगे। इससे आत्मा निर्बल होगी, हम समर्थ आत्मा कदापि नहीं बनेंगे। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति में रहते हुए हम अटेंशन दें, अपने को चेक करें, चेंज करें कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये व्यर्थ नहीं सुनना है, इन व्यर्थ की बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना है। बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तब हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और बाबा की सेवाओं में अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो बीच बीच में अटेंशन देकर हमें भिन्न भिन्न साधनाएं करते रहना चाहिए। विशेष रूप से स्वमान की साधना पर आज बाबा ध्यान दिला रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझे अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाना है, इन्हें यूज करना है। और लास्ट सुंदर बात है, राज ऋषि बनना है तो सभी ब्राह्मणों की दुआएं प्राप्त करो। ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मावत्स, पवित्र आत्माएं इस सृष्टि की बहुत महान आत्माएं हैं। वो यदि किसी को दुआएं देने लगे तो उनका पहाड़ जैसा विघन भी राई जैसा बन जाएगा। इससे हम विघन मुक्त भी हो जाएंगे, पर दुआएं कैसे लेंगे? मांग कर तो नहीं, हम कहेंगे तो नहीं सब हमें दुआएं दो, हम सबके प्रिय बन जाएं, हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम सबको साथ दें, सहयोग दें, जिसे कोई साथ नहीं दे रहा उसे हम साथ दें, सबको सुख दें, तो सबके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती रहेंगी और हम निर्विघ्न भी हो जाएंगे, राज ऋषि भी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन ये हम स्वमान बार बार अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और बाबा का सुंदर महावाक्य याद करेंगे। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता चाहिए तो इस स्वमान को बढ़ाएं और फील करें ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।